बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6:15 पर वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले गए हैं। ग्रीष्मकाल के 6 माह अब श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजा अर्चना बद्रीनाथ मंदिर में कर सकेंगे। कपाट खुलने के मौके पर मंदिर को भव्य रूप से गेंदे के फूलों से सजाया गया था। सेना के बैंड की भक्तिमयी धुनों और बद्री विशाल के जयकारों के साथ देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। इससे पहले 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं, वहीं 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। दो साल कोविड के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित रही, लेकिन इस बार कपाट खुलने के दौरान से ही भारी संख्या में श्रद्धालु व भक्तगण चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हैं। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी के साथ साथ बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी, पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट, डीजीपी अशोक कुमार, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, एसपी श्वेता चौबे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। संवाद 365 के लिए ज्योत्सना थपलियाल की रिपोर्ट।